वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। बच्चे क्या है, अब हमारे यूकेजी में चले गए हैं तो वो मोटा मोटी स्मॉल अल्फ़ाबेट, बिग अल्फ़ाबेट, थ्री लेटर वर्ड, फोर लेटर वर्ड, ये सारी चीज़ें वो लिखना सीख गए हैं। तो अब बात आती है कि उनकी हैंडराइटिंग कैसे ठीक करें। तो अब हम सिखाएंगे बच्चों को कर्सिव हैंडराइटिंग। जी हाँ, कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों की अगर अच्छी लिखावट होती है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और खासकर एग्जामिनेशन में अच्छी लिखावट की वजह से भी कई बार अच्छे नंबर्स आते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं बिल्कुल बोलूँगी, बच्चे अगर आपके यूकेजी में चले गए हैं तो अभी से उसकी शुरुआत कर दें। इसके लिए आप कॉपी में भी बच्चों को स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट, बिग अल्फ़ाबेट, एक एक लेटर आप लिखना सिखा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की हैंडराइटिंग की बुक भी आती है, इसका भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर ट्रेसिंग के हेल्प से या फिर सिंगल अल्फ़ाबेट लिख के कुछ इस तरह से बच्चों को यहाँ पर आपको कर्सिव हैंडराइटिंग लिखना सिखाया जाता है। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कर्सिव हैंडराइटिंग लिखना हम कैसे सिखाएंगे। देखिए बच्चों को जब हम पहली बार अल्फाबेट लिखना सिखाते हैं तो हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, राइट स्ट्रोक, लेफ्ट स्ट्रोक, इसके अलावा बच्चों को वेव्स हम बनवाते हैं कुछ इस तरह से जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं तो बच्चे हमारे अल्फ़ाबेट प्रॉपर लिखना सीखते हैं। इसी तरह बच्चों को जब हम कर्सिव हैंडराइटिंग लिखना सिखाते हैं तो यहाँ पे बच्चों को हम स्ट्रोक सिखाते हैं। स्ट्रोक से कहने का मतलब हुआ कुछ इस तरह के पैटर्न, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला स्ट्रोक है ए जैसा, दूसरा एल के जैसा है, तीसरा एस के जैसा है, फोर्थ जो है स्ट्रोक के हेल्प से हम डब्ल्यू वी एक्स लिखते हैं, नेक्स्ट है आपका एम के जैसा जिसके हेल्प से हम एम और एन लिखते हैं, इसके अलावा एक और स्ट्रोक है जिसके हेल्प से हम ई और आई लिखते हैं, इसके अलावा एक और स्ट्रोक है जिसके हेल्प से हम जी लिखते हैं, डी लिखते हैं, और एक और स्ट्रोक है जिसके हेल्प से हम जे लिखते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट स्ट्रोक होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, इसके हेल्प से मैं बोलूँगी पहले बच्चों को आप कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने की शुरुआत करें। इस तरह से बच्चों को कॉपी लिख दें और बच्चों को दिखाएं कि किस तरह से आपका हाथ घूमता है। कर्सिव हैंडराइटिंग में क्या होती है ना कि बच्चों की कलाई बहुत घूमती है इस तरह से, जैसे मान लीजिए वो ए लिख रहा है तो इस तरह से वो करेंगे और कि हैंड जो है वो लगातार घूमती जाएगी। पहले क्या था, बच्चे लिखते थे पेंसिल हटाते थे, लिखते थे पेंसिल हटाते थे, बट अभी क्या है उनका कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर अभी इसे आप शुरुआत करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये तो बात हो गई इस तरह के स्ट्रोक की, आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं आशी को मैं स्ट्रोक की प्रैक्टिस करा रही हूँ। अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाती है, बट ओवर द टाइम जब वो रेगुलर हैबिट में रहेगा, प्रैक्टिस में रहेगा, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं वो डिफरेंट स्ट्रोक को किस तरह से मैं उसको कंटिन्यूएशन में लिखने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इसी तरह से कॉपी में आप डिफरेंट स्ट्रोक लिख बच्चों को आप कंटिन्यूएशन में लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके अलावा आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक में यहाँ पे ट्रेसिंग की हेल्प से भी बच्चे यहाँ पे स्ट्रोक लिखना सीखते हैं। जैसे आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं मैंने इस बुक का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आशी ट्रेस कर रही है, जो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, इनको वो ट्रेस करके लिखना सीख रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों को पहले आपको स्ट्रोक सिखाना है, जो डिफरेंट स्ट्रोक हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कराना है। इसके अलावा आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को बार बार ट्रेसिंग करवा सकते हैं। इससे भी बच्चे हमारे जो कर्सिव हैंडराइटिंग है जिसके लिए हाथ का मूवमेंट होना चाहिए वो धीरे धीरे सीख पाएंगे। एक बार जो बच्चों की मूवमेंट जो कलाई की है ना वो जब स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल घूमने लगता है, तब जाके उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती है। इसीलिए इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है, साल भर बच्चों को ज़रूर दें, डेढ़ साल दो साल ज़रूर दें, रोज़ एक एक लेटर सिखाएं, रोज़ उनको स्ट्रोक की प्रैक्टिस कराएं, थोड़ा थोड़ा कराएं, अदरवाइज़ ज़्यादा कराने से बच्चे हमारे भागने लगेंगे। लेकिन जब इस तरह से बच्चों को आप रोज़ प्रैक्टिस कराएंगे, रोज़ लिखवाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे बच्चे की जो कर्सिव हैंडराइटिंग है वो अच्छी बनने लगेगी, प्रैक्टिस के साथ वो सही से लिखने लगेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस जिसके हेल्प से बच्चे कर्सिव हैंडराइटिंग सीखते हैं। मैं भी इसी के हेल्प से आशी को अभी लिखना सिखा रही हूँ, तो सलाह दूंगी आप भी इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करें और बच्चों की कर्सिव हैंडराइटिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखने की शुरुआत करें। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।